हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने वैलेंटाइन डे पे जो केक बनाया था उसका डेकोरेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ये छोटा सा केक मैंने घर में ही बनाया था, घर के लिए, सभी लोगों के लिए। कुछ खास ऐसा नहीं था कि वैलेंटाइन डे मनाना ही है, बस जस्ट ऐसे ही बच्चे खाने के लिए बोल रहे थे और साथ में वैलेंटाइन डे का भी दिन था, तो मैंने बना दिया इस तरह से हार्ट शेप में। तो जो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और साथ ही में एक ऑर्डर था रिच चॉकलेट केक का, तो ये भी वीडियो, ये देखिए दोनों एक ही दिन का केक है, तो इसका भी वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं हार्ट शेप का चॉकलेट केक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने हार्ट शेप का केक बनाने के लिए मैंने हार्ट शेप का मोल्ड नहीं लिया है, राउंड शेप के ही मोल्ड में मैंने केक को बेक कर लिया है। हमारा स्पॉन्ज हो गया है रेडी, काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी स्पॉन्जी बना है। तो सबसे पहले हमने स्पॉन्ज के अपर पार्ट को काट के निकाल के से 3 पार्ट्स में कट कर दिया। केक बोर्ड पर हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्रीम लगा के अपना सबसे जो मिडिल लेयर है वो मैंने यहाँ पर रख दिया और इसे अच्छे से शुगर सिरप से एब्जॉर्ब करा दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शुगर सिरप अच्छे से स्प्रेड करने के बाद अब हम क्रीम में चॉकलेट गनाज डाल के चॉकलेटी क्रीम यहाँ पे तैयार करके यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। एक लेयर हमने लगा दिया है, उसके ऊपर से यहाँ पे चॉकलेट को मैंने अच्छे से चॉप किया है। साथ में थोड़ा सा चोको चिप्स दोनों को हम यहाँ पे डाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम तीनों लेयर को यहाँ पे लगाने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्रम कोट कर लिया है और साथ में हम केक का बेस भी थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। और यहाँ पैलेट नाइफ से यहाँ पे देखिए पहले तो प्लस का साइन करेंगे, उसके बाद साइड साइड इस तरह से स्लैंटिंग लाइन करेंगे और फिर बीच में थोड़ा सा इस तरह से कट का निशान, एरो का निशान लगा के जितना भी हमने मार्क किया है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड से हम ये कट करके दूसरे साइड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इससे हमारा हार्ट शेप बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दिखता है। आप जब हार्ट का कोई केक बना रहे हैं तो उसके लिए हार्ट शेप का केक मोल्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राउंड शेप के भी केक मोल्ड से हम बहुत ही अच्छा हार्ट शेप केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड का लगा के बीच के साइड का हम निकाल के साइड में रख देंगे और इसे अब हम फिर से अच्छी तरह से क्रीम से कोट कर लेते हैं। सभी जितने भी बेस दिख रहे हैं सभी को हम लॉक कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ पे हमने केक की आइसिंग कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए केक में क्रीम हमने अच्छे से आइसिंग करने के बाद इसे हम रख देंगे फ्रीज में करीब हाफ एन आवर्स के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए हाफ एन आवर्स हो चुका है, हमारा जो क्रीम है केक पे काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम चॉकलेट गनास को इस तरह से ऊपर स्प्रेड करने के बाद अब हम पैलेट नाइफ से इसे इवेनली स्प्रेड करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा चॉकलेट गनास बहुत ही अच्छे से बन के आया है। तो अब हम पूरे केक पर चॉकलेट गनास से कवर कर देंगे। तो ये देखिए हमारा अपर का पार्ट जो है काफ़ी इजीली कवर हो चुका है। अब हम साइड साइड के भी पार्ट्स को कवर करेंगे चॉकलेट से। तो यहाँ पे मैंने स्पून से इस तरह से डाल के और फिर पैलेट नाइफ से इस तरह से उठा के चारों तरफ से मैंने इस तरह से लगा दिया है, काफ़ी इजीली लग जाता है। और चॉकलेट ग्लास चारों तरफ से हम इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा जो हार्ट शेप का केक है पूरा कवर हो चुका है चॉकलेट से, तो कितना ही प्यारा लग रहा है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुका है, हमारा जो चॉकलेट है केक पे वो काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। और यहाँ पे पाइपिंग बैग में नोज़ल डाल के मैंने क्रीम ले लिया है और क्रीम का कलर यहाँ पे मैंने रखा है गोल्ड रोज़, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ फ्लावर्स बना दिए हैं, कुछ स्टार यहाँ पे बना दिए हैं, ड्रॉ कर दिया, जिससे काफ़ी अच्छा लग रहा। और फिर ग्रीन कलर के मेरे पास क्रीम बची हुई थी तो उससे मैंने हैप्पी वैलेंटाइन माय लव लिख दिया है, थोड़ा सा हार्ट्स बना दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे दो मैंने चॉकलेट बॉल्स बनाए हैं रेडीमेड, यहाँ पर मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ और ना ही ये आर्टिफिशियल है, ये घर में ही मैंने चॉकलेट बॉल्स बनाए हैं और जिसपे यहाँ पर गोल्डन डस्ट से कोट करके यहाँ पे मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ।
और थोड़ा सा चॉकलेट केक को और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैं गोल्डन डस्ट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए साइड के इस लाइन पे जो है वहाँ पे हल्का हल्का डस्टिंग कर दे रही हूँ, जिससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, काफ़ी हाईलाइटेड लग रहा था केक। तो ये देखिए यहाँ से मैंने बस एक साइड ही यहाँ पे गोल्डन डस्ट लगाया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे गोल्डन का यहाँ पे एडिबल जो मोती होता है उसे भी यहाँ पे लगा दे रही हूँ इस तरह से फ्लावर के ऊपर, जो कि काफ़ी जो है इसका डेकोरेशन काफ़ी इन्हेंस हो चुका है। तो ये देखिए हमारा जो वैलेंटाइन डे का केक है रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये देखिए फाइनल लुक जो है हमारा केक का इस तरह से आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा सिंपल डेकोरेशन जो कि बहुत इजी है और बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है देखने में। तो आपको ये डेकोरेशन कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप अगर लोकल एरिया गणेश नगर गांधी वाली मुंबई में रहते हैं तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं, बहुत ही फ्रेश केक और टेस्ट में बहुत ही अच्छा केक मिलेगा आपको, जैसा आप डिज़ाइन डेकोरेशन चाहते हैं वो यहाँ पे करके मिलता है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट लाइक, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बहुत ही जल्द मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।